हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सौरभ, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग ट्रेवलर्स में। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे जो है अभी बहुत जल्द जो है 1000 सब्सक्राइबर्स फैमिली होने वाला है, तो बस थोड़ा सा ही बाकी है। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो ताकि 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कम्प्लीट हो जाए। और अगर आप भी 2022 में एक नया यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो और उसके लिए अगर आप बहुत अच्छा माइक ढूंढ रहे हैं लो बजट में, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दो माइक के बारे में जो आप ले सकते हो अपने बजट के हिसाब से। तो अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है ऑडियो सोर्स जो है वो मोबाइल से ही हो रहा है, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास दो माइक है, एक है माउनो का माइक है और एक है ये बोया का माइक है M1। तो इसका भी मैंने अनबॉक्सिंग का जो वीडियो है वो मैंने बनाया हुआ था। ये फ़िलहाल कोई प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, नॉन प्रमोशनल वीडियो है ये। तो माइक मैंने इसको जो है काफ़ी दिन मैंने यूज़ किया था, बोया का माइक है ये। लगभग 20 फुट तक जो है इसका वायर का डिस्टेंस लेंथ है, तो और इसका जो है ये लगभग 6 या 7 फुट के आसपास है। तो ये थोड़ा छोटा है लेकिन बजट भी इसका बहुत कम है, लगभग 350-400 रुपये में आपको मिल जाएगा ये। अगर आपको बोया वाला लेना है तो आप बोया वाला भी ले सकते हो। इसका जो है लेंथ काफ़ी ज़्यादा दूर है, दूर तक आप इसके वजह से आप जो है ज़्यादा दूर तक शूट कर सकते हो। और जो है दोस्तों, इसमें ये जो माउनो का माइक है ये भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है लो बजट में। तो स्टार्टिंग में आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। दोनों का ही ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो मैं अभी आपको बोया का माइक जो है, इसे मैंने काफ़ी सारा वीडियो जो है मैंने पहले ही बना चुका हूँ, तो आप मेरा ऑडियो वीडियो लिस्ट में आप जाके जो है चेक कर सकते हो। तो इसका मैंने अभी तक कोई भी एक वीडियो टेस्ट नहीं किया, तो लेकिन जो भी है मैंने ट्राई के लिए मैंने इसको यूज़ किया था, तो उसमें काफ़ी बेटर रिजल्ट मिला मेरे को अकॉर्डिंग टू बोया के हिसाब से। तो बोया का माइक थोड़ा ज़्यादा महंगा है, लगभग 800-900 तक भी जाता है उसका प्राइस, लेकिन ये जो है ये काफ़ी सस्ता माइक है। तो अभी ये देखता हूँ इसका टेस्ट करके कि कैसा रिजल्ट आता है। तो भाई मैंने लगा दिया अभी, ये है माउनो का माइक जो है वो मैंने अभी लगा दिया। इसका डिस्टेंस जो है वो लगभग 6 फीट तक का है। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये माउनो का माइक है। तो मुझे तो ये टेस्टिंग के टाइम में काफ़ी अच्छा लगा, तो आप लोग भी बताना कि इसका क्वालिटी जो है ऑडियो क्वालिटी वो कैसा है। तो मैं अभी ज़्यादा लाउडली नहीं बात कर रहा हूँ, थोड़ा कम ही बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ऑडियो क्वालिटी आप ऐसे पता कर सकते हो कि कैसा है नहीं है। तो बस इसका बजट जो है वो काफ़ी कम है, लगभग 300 से 350 रुपये तक आपको मिल जाता है, कभी कभार 399 भी हो जाता है इसका प्राइस। और जो मैंने अभी बोया का आपको बताया था वो है आपका 20 फीट तक का इसका जो है केबल लेंथ है, और इसका प्राइस भी लगभग 800 से 900, कभी कभार 1000 रुपये तक भी पहुंच जाता है। तो अगर आपके पास कम बजट है तो आप ये वाला माइक ले सकते हो। अगर आपको माइक लेना है और कोई सा भी सामान लेना है, तो मैं आपको यूट्यूब के लिए अगर कोई सा भी आपको सामान लेना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दे दूँगा, आप यहाँ से भी जाके जो है बाई कर सकते हो। ये वीडियो जो है दोस्तों पूरा नॉन प्रमोशनल वीडियो है, तो बस ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहता था ताकि जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए थोड़ा आसानी हो सके कि कितने बजट में माइक लेना है नहीं है, अगर उसका बजट कम है तो कौन सा वाला माइक अच्छा है नहीं है। तो आप उसे ये माइक से आप पता कर सकते हो कि आपको ये माइक जो है वो सूटेबल करेगा कि नहीं करेगा। ये कम बजट में जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा माइक है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने अभी इसको टेस्टिंग किया है उसके हिसाब से। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये डायरेक्टली इसी माइक से है, तो चेक कर सकते हो। बोया का भी आप अगर लेना चाहते हो तो उसका भी वो भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो बस अभी 1000 सब्सक्राइबर जो है वो होने वाला है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।